जबरदस्त। ये होम ऑटोमेशन सिस्टम है। हेलो फ्रेंड्स, होम ऑटोमेशन में आज हम एक बहुत ही हाईटेक किट लेकर के आए हैं, जो कि मेरे ऑफिस पे एक डेमो प्रोग्राम चला और उसका एक लाइव वीडियो हमने बनाया, जिसको आप देखिएगा, काफी इंटरेस्टेड है। और इसमें क्या क्या लगता है, कैसे काम करता है, क्या क्या पॉइंट्स आप उससे जोड़ सकते हैं, मोबाइल का सॉफ्टवेयर कौन सा है, सब कुछ मतलब ए टू जेड आपको इससे जानकारी मिलेगी। और इसको गौर से देखिएगा, काफी मजेदार भी है, लेटेस्ट आइटम है। और एक सबसे बड़ी चीज कि अभी प्रोडक्ट देखता है आदमी और उसको जब लाइव देखता है तो थोड़ा सा वो असरदार होता है। तो आप अपने क्लाइंट्स को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं कि इस तरह के मॉड्यूल्स इसमें लगते हैं और वो काम कैसे करता है। तो इसमें क्या है कि देखिए, एसी है, गीजर है, गेट है, आपके लाइटिंग्स हैं, लाइटिंग में भी तरह तरह के फंक्शंस हैं, उसके बाद कर्टेन है, आपका पर्दा लेफ्ट राइट करना। बाकी इसमें एक खास बात और है कि शेड्यूलिंग कर सकते हैं, जैसे कि 9 बजे उठिए तो आपका पर्दा ऑटो हट जाएगा, टाइमिंग सेट रहेगी, धूप कब आती है कब नहीं आती उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला ये वीडियो, बने रहिएगा और जरूर देखिएगा, जो नहीं देखेगा भाई नुकसान है, आपका है। तो ये नई चीज है, थोड़ा इसमें हम इंटर हो रहे हैं और इसको आप लोग भी आजमाइए, देखिए, कोशिश करिए, क्योंकि ये सेक्शन और ये सेगमेंट बहुत बड़ा है, काफी अच्छा। और जो कस्टमर हैं जिनको नीड है उनके लिए भी ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगी, कि उनको ये समझ में आ जाएगा कि मेरे घर में ये काम कैसे करेगा और किस तरह का होगा। तो आइए वीडियो देखते हैं। हाँ, सब ऑफ करिए। अब अटैची बंद कर सकती है ना? सिक्स प्लस डिमर। इसमें 6 बटन्स यूज कर सकते हैं ऑन ऑफ, और इसमें डिमर भी, लाइट्स को डिम कर सकते हैं, फैंस को डिम कर सकते हैं, अच्छा, अप डाउन कर सकते हैं। हाँ, ये जो एरो दे रहा है ऊपर नीचे, ये डिमर है, ये अप करने के लिए है, ये डाउन करने के लिए। ये 6 पॉइंट आप चला सकते हैं। जैसे सर, इस डिवाइस के साथ आप कर्टन्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं विद प्लान, सिनेरियो और शेड्यूल के साथ। जैसे अगर आप 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे आपकी प्लानिंग हो जाएगी कि मैं 6 बजे उठता हूँ, मेरा कर्टन्स ऑटोमेटिक ओपन हो जाए जी। और आपका शेड्यूल बना हुआ है कि मैं 6 बजे उठ जाता हूँ या फिर मेरा कर्टन्स 12 बजे बंद हो जाए, ये आपकी जो ये प्लानिंग होती है वो शेड्यूल में आती है। शेड्यूलिंग कर सकते हैं सब चीज जी, और अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और गेट वगैरह का कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सर क्या कि अगर आपको आए तो ये ओपन हो जाए और जाए, और इसमें साथ विद सेंसर भी, अगर जाते वक्त कोई बच्चा अगर उस गेट के पास आता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, ठीक है, उससे कोई किसी को हार्म नहीं होगा, ठीक। और सर इसमें गीजर भी है, गीजर भी सारे होम अप्लायंसेस को आप वन टच पे काम कर सकते हैं। वॉशिंग मशीन हुआ आपका सर, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, गीजर हुआ आपकी, एसी हुए, सारे होम अप्लायंसेस जितने हैं, फैंस हुए, लाइटनिंग, ये लाइटिंग हुई, सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये अभी ऑन है ना सब? अब एक बार आप ये ऑन आप कर दीजिए। हाँ, करिए करिए सब, अब चारों करिए ना, ये देखिए सारे एरिए ऑन होते जा रहे हैं। ठीक है, घर को ऑटोमेटिक आप कर सकते हैं इस मेंट से। जिस लाइक अगर हम क्लिक करेंगे
अभी ये पैनल है, ये बीच वाला क्या है? ये मास्टर पैनल होता है जिससे सारे सेंसर्स को कंट्रोल किया जाता है जी। और इन्हीं से ये होता है ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है, ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट, मैग्नेटिक कॉन्टैक्ट है जिसे गेट पे लगाया जाता है। कहीं से भी कोई अनऑथराइज पर्सन एंट्री करता है, फोर्सफुली ओपन करना चाहता है तो दैट टाइम अलार्म होगा, इमीडिएट कॉल आ जाएगा। ये फोर बटन वन सॉकेट स्विच है जिसमें फोर आप बल्ब कुछ भी मतलब कोई भी जैसे लाइट फैन, लाइट्स फैन कुछ भी। कितने वाट तक का क्या लोड लेगा ये? ये 220 1000 वाट तक का है, 1000 वाट का। इसके साथ ये टू टच पैनल्स है, ये रिमोट है, इसके साथ रिमोट से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मोबाइल ऐप भी है, मोबाइल ऐप मोबाइल से भी ऐप कर सकते हैं, इंटेलिजेंट के नाम से है मोबाइल ऐप, उससे भी आप। और ये वायरलेस है कि वायर्ड है? ये टोटली वायर्ड है, जो नॉर्मली जो घर में वायरिंग होती है उसी वायर पे इसको यूज किया जाता, सब कुछ वही रहेगा, बस सॉकेट चेंज होगा, ये पूरी प्रक्रिया सेम होती है। ये ऊपर का अब ये सेंसर वगैरह है, इससे ये एसी कंट्रोलर है, ये एसी भी, हाँ एसी भी कंट्रोल कर सकते हैं, एसी ऑन ऑफ कर सकते हैं, एबी एसी रिमोट से, रिमोट से मोबाइल से। और ये म्यूजिक सिस्टम भी इसके चलाने का काम आएगा, जैसे हम चाहते हैं सुबह 6 बजे ऑटोमेटिक भजन चालू हो जाए, ऑटोमेटिक भजन चालू हो जाएगा 6 बजे। अच्छा, हाँ आपको कुछ करना नहीं, ठीक है। अगर ये है पैसिव इंफ्रारेड रिसीवर जी, ये क्या होता है कहीं से कोई गेट नहीं आता है, बालकनी से आता है या शेड काट के आता है, तो दैट टाइम बॉडी के मूवमेंट को कैच करता है और इमीडिएट अलार्म कर देगा, आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, फोन आ जाएगा कि आपके बालकनी से कोई एंट्री कर, ठीक है। ये चीजें है, मैंने फोन पे टी लगी जाता है सारा चीज, ये इसमें ये मास्टर पैनल होता है, इसी से सारे 64 सेंसर्स इसमें ऐड होते हैं, सारे सेंसर इसी में ऐड होते, ठीक है। और कोई क्या फंक्शन है? पूरी फंक्शन होम ऑटोमेशन में, एक बात बताइए होम ऑटोमेशन में क्या क्या चीजें ऐड रहती हैं? ये आपका पूरा कंप्लीट सेटअप में क्या क्या है जी? होम ऑटोमेशन में सबसे पहले तो आपको मास्टर पैनल लेना होगा जी, ये जो मास्टर पैनल है, मास्टर पैनल के बाद आपको जितने बटन सॉकेट ये आपको लेना पड़ेगा। टू टाइप्स के सॉकेट है हमारे पास, एक तो ये विद सॉकेट वाला है, एक मॉड्यूल के साथ है, अगर सॉकेट आप कोई अलग से लगाए उसमें मॉड्यूल लगा देंगे, मास्टर पैनल आपका यही होगा, मास्टर पैनल यही होगा, मास्टर पैनल यही होगा, दो तरह का मॉड्यूल के साथ भी है और टच स्विच के साथ भी, ठीक है। और इससे घर के जितने भी अप्लायंसेस, सारे अप्लायंसेस को यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक एसी, गीजर, फ्रिज, एबी, लाइट फैन, स्ट्रीट लाइट्स, सारी चीज डिमर्स के साथ। आप चाहते हैं आरजीबी यूज करना तो आरजीबी भी यूज कर सकते हैं, रेड ग्रीन ब्लू आप चाहते हो वो भी सेंसर मेरे पास अवेलेबल है। मैक्सिमम कितने पॉइंट्स यूज कर सकते हैं इससे? इससे 64 ओके, 64 स्विचेस यूज कर सकते हैं। और कोई इसमें ऑन ऑफ करने का है क्या कुछ? टोटली ये यही इसी से ऑन ऑफ होगा, बस यही लाइट ऑन हो रही है, ऑफ हो रही है, हाँ ये मैनुअल हो रहा है, मैनुअल मोबाइल से भी कर सकते हैं, रिमोट से भी कर, रिमोट से भी कर सकते हैं जी। ये रिमोट है आपका, और ये आपका सेंसर है, मोशन सेंसर, ये कॉन्टैक्ट है, ये इंटेलिजेंट ऐप है, इसी के थ्रू सारा ये रजिस्टर्ड होगा। कौन सा ऐप है ये? इंटेलिजेंट ऐप। अच्छा, मोबाइल से ये रहा, फोन नंबर, ईमेल, कहीं से भी। तो इसको ऑनलाइन करने का क्या प्रोसीजर होगा? कोई भी वाईफाई आपको अटैच करना होगा, आज के दिन में जियो फाइबर है, हाँ उसी से ऑनलाइन हो जाएगा, उससे ये वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, वायर से नहीं होगा? वायर से तो होगा ही, मोबाइल पे देखने के लिए, अरे वही वायर, वायर का भी लाइन पोर्ट है क्या? हाँ लाइन पोर्ट है पीछे, ये निकल सकता है क्या ये? इसका पोर्ट देखना हो तो ये दो USB है
और भी आपके जो लाइन है, चलिए ठीक है। तो आप लोगों ने ये देखा कि इसमें क्या क्या मॉड्यूल यूज होते हैं, और इस वीडियो में अगली सीरीज जो होगी कि हर मॉड्यूल को इंस्टॉलेशन के साथ कैसे इसको इंस्टॉल किया जाता है, लगाया जाता है, और ये काम कैसे करता है। तो बने रहिएगा इस चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसके अगली वीडियो आपको मिलती रहेगी उसका नोटिफिकेशन। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।